प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे चलिए बच्चों तो हम आज का अपना कक्षा तीन व चार का विषय गणित का राष्ट्रीय सर्व उपलब्धि सर्वेक्षण प्रैक्टिस पेपर हल करते हैं तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ आरोही क्रम में है आरोही क्रम कौन सा होता है बेटा असेंडिंग ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा जब हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं तो उसको हम आरोही कर्म कहते हैं तो पहले छोटी संख्या आएगी फिर बड़ी संख्या आएगी तो इसमें हम देखते हैं पहले छोटी या फिर बड़ी जैसे पार्ट में हम देखेंगे देखिए तीन सौ 227। तो दो पहले आना चाहिए क्योंकि छोटी संख्या है तो ये गलत हो जाएगा दूसरा देखते हैं दो सौ सत्ताईस छः सौ सैंतीस चार सौ उनसठ तो अब ये देखिए छः सौ सैंतीस से छोटी संख्या है चार सौ उनसठ तो ये भी गलत हो गया यहाँ पर अगला देखते हैं दो सौ सताईस तीन सौ पैंतालीस चार सौ उनसठ छः सौ सैंतीस नौ सौ सतासी तो ये बेटा बिल्कुल एकदम परफेक्ट आरोही क्रम में है तो इसका गह पार्ट ठीक हो जाएगा एक बार हम गह पार्ट भी देख लेते हैं तीन सौ पैंतालीस चार सौ उनसठ छः सौ छत्तीस दो सौ सताईस तो छः सौ छत्तीस से छोटी संख्या है तो ये भी गलत हो गया तो इसका गैप पार्ट ठीक है जो ये छोटे से बड़े के क्रम में चल रहे हैं चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका स्कूल जान आपका स्कूल जाने का सही समय क्या है तो देखिए यहाँ पे क्या क्या समय हमें दे रखे हैं इन्होंने कै में दे रखा है नौ बजे गय में पाँच बजे गय में आठ बजे और गय में साढ़े आठ बजे तो बेटा आप लोग स्कूल कब जाते हो ग आठ बजे तो हम सब स्कूल कब जाते हैं आठ बजे जाते हैं तो हमारा स्कूल का सही टाइमिंग है आठ बजे तो इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट होगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न तीन मोनू ने पंद्रह पेंसिलों को तीन बक्सों में समान रूप से रखा तो मोनू के पास टोटल पंद्रह पेंसिल्स हैं और उसने तीन बक्सों में रखा समान रूप से तो यानी कि एक बक्से में कितनी पेंसिल्स आएगी तो पंद्रह को तीन से भाग देना होगा तो कितना आ गया तीन के पहाड़े में पंद्रह कितने पर आता है पाँच पर कितने पर आता है बेटा पाँच पर तो चलिए आगे देखते हैं यही क्वेश्चन आ गया हमारा प्रत्येक बक्से में पेंसिलों की संख्या होगी तो टोटल पंद्रह थी उसको हमने उसने कितने बक्सों में रखा था तीन बक्सों में तो तीन के पहाड़े में पंद्रह कितने पर आता है पाँच पर तो टोटल तो हो गई पेंसिल की संख्या एक बक्से में पाँच तो इसका ऑप्शन सही है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न चार मेरे पास पाँच सौ अठहत्तर रुपये हैं मैंने तीन सौ पचास रुपये में किताबें खरीदी मेरे पास कितने पैसे बचे तो टोटल हमारे पास कितने रुपए थे पाँच सौ अठहत्तर उसमें से हमने तीन सौ पचास रुपये की किताबें खरीद ली तो अब कितने पैसे बचे इसके लिए हमें माइनस करना होगा आठ में से जीरो गई आठ सात में से पाँच गए दो पाँच में से तीन गए दो तो दो सौ अट्ठाईस रुपये हमारे पास शेष बचेंगे तो देखिए कहाँ है ये ऑप्शन ग वेरी गुड तो दो सौ अट्ठाईस रुपये हमारे पास शेष बच गए चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न कौन सी संख्या पौधों की कुल संख्या को दर्शाती है तो ठीक है बेटा हम एक बार काउंट करते हैं कितने पौधे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस तो टोटल पौधे हमारे हो गए बीस कितने पौधे हो गए बेटा हमारे बीस तो चलिए देखते हैं कौन सी संख्या सही दर्शाती है तो अगर हम पाँच और पाँच को जोड़ेंगे इसका आंसर कितना आएगा दस पाँच गुना चार कितना आ गया बीस पाँच गुना पाँच पच्चीस पाँच प्लस बीस पच्चीस तो टोटल पौधे हमारे कितने थे बीस तो कौन सी संख्या सही दर्शाती है विकल्प ख पाँच चार बीस तो ये उत्तर सही होगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं संख्या छः सौ नौ को स्थान के रूप में भी लिखा जा सकता है कैसे लिख सकते हैं बेटा छः सौ नौ को क्या छः और जीरो नौ लिख सकते हैं नहीं साठ और नौ नहीं ये तो सिक्सटी नाइन हो जाएगा छः जीरो नौ ये भी नहीं होगा छः सौ प्लस नौ छः सौ में नौ जोड़ेंगे इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना होता है हमें तो ये छः सौ नौ बनेगा तो इसका आंसर है विकल्प घ छः सौ जमा नौ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आप लोगों को काउंटिंग तो आती है तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी छः सौ बावन आठ सौ उनत्तर नौ सौ तेईस या फिर पाँच सौ तेईस तो एक काम और कर सकते हैं सब में तीन तीन डिजिट्स हैं तो इनकी हम आगे की संख्या देख सकते हैं ये वाली इकाई दहाई सैकड़े वाली छः है यहाँ पे आठ है नौ है पाँच है तो वन टू थ्री फोर जब हम नाइन तक काउंट करते हैं सबसे बाद में क्या आता है नाइन आता है तो नौ सौ तेईस जो है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी तो नौ सौ तेईस जो है वो सबसे बड़ी संख्या है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है राजा के पास बीस केले थे उसमें से तेरह केले उसने खा लिए अब सात केले बचे कौन सी संख्या सही कथन दर्शाती है चलिए पहले हम इस कथन के साथ साथ अपना आ, इक्वेशन बनाते हैं राजा के पास कितने केले थे बीस केले तेरह केले खा लिए तो क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसने केले खाए हैं उसके पास कम हुए हैं केले तो इसलिए तो बीस में से तेरह गए तो कितना बचा सात बचा तो ये वाला इक्वेशन हमारा यहाँ पर हमें मिलेगी तो ये वाली इक्वेशन कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन ढूंढिए वेरी गुड क ऑप्शन बीस माइनस तेरह इज इक्वल टू सात तो ये सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है दी गई आकृति में सितारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए ठीक है बेटा तो हम पहले एक बार सितारे काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व यानी कि बारह सितारे हैं टोटल तो यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन हैं दो गुना चार कितना आएगा बेटा आठ होता है तीन गुना चार कितना होता है बारह चार गुना चार कितना होता है सोलह और बारह गुना चार कितना होता है अड़तालीस ठीक है बेटा तो अब आप सही उत्तर बताइए इसका कौन सा हो सकता है सही उत्तर बारह सितारे हैं तो विकल्प ख तीन गुना चार ये होगा तो यहाँ से हम इस तरीके से भी देख सकते हैं देखना एक रो में तीन सितारे हैं तो इसी प्रकार हमारे पास कितनी है एक दो तीन चार चार है तो तीन गुना चार बारह क्योंकि हर वाली रो में इक्वल इक्वल सितारे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं पैटर्न पूरा करिए तो यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न है पहले एक गोला दिया गया है वृत्त फिर एक त्रिभुज है फिर एक सितारा है डायमंड फिर गोला आया है तो पहले गोला फिर त्रिभुज फिर एक स्टार है फिर गोला तो गोले के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास त्रिभुज आना चाहिए तो देखते हैं त्रिभुज हमारे पास कौन से ऑप्शन में है हमें ऑप्शन मिल गया ऑप्शन ख त्रिभुज तो ये सही आंसर होगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर ग्यारह अंक तीन एक चार का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी तो बेटा हमारे पास तीन अंक है तो सबसे छोटी संख्या बनाने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे हम इकाई का अंक यहाँ पे दहाई का अंक और यहाँ पे सैकड़े तो सैकड़ा जहाँ आएगा वहाँ पे सबसे छोटा सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो तीन एक चार में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है एक है तो हमने लिखा फिर जो दहाई का स्थान है फिर एक से बड़ी वाली संख्या जो इन तीनों में है तीन है तो ये लिखेंगे फिर उससे बड़े वाली संख्या कौन सी है जो हमारे पास बच गई चार तो सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी बनेगी एक तो ये इसका सही उत्तर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न बारह मैंने सेब रुपये एक सौ पच्चीस में आम रुपये पचास और केले रुपये अस्सी में ख़रीदे मैंने कुल कितने पैसे दिए तो क्या करना है हम लोगों को उसने सेब भी खरीदे आम भी खरीदे केले भी ख़रीदे जब आप दुकान पे जाते हो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो तो उनको जोड़ के उसको पैसे देते हो ना दुकानदार को चलिए हम भी इसको जोड़ते हैं एक सौ पच्चीस पचास और अस्सी तो आप सभी मेरे साथ जोड़ेंगे पाँच जीरो जीरो कितना हो गया अगर किसी भी संख्या में हम जीरो जोड़ते हैं तो क्या आती है वही संख्या आती है तो हम पाँच लिखेंगे दो और पाँच कितने हो गए सात सात में आठ जोड़ेंगे कितना हो गया बेटा पंद्रह और एक लगा हासिल कैरी करते हैं एक और एक दो तो टोटल कितने रुपए हो गए दो सौ पचपन क्या ऑप्शन में दो सौ पचपन है यस विकल्प क में हमारे पास दो सौ पचपन है तो ये सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न तेरह दिए गए फर्श के डिज़ाइन को बनाने के लिए निमन में से कौन से टाइल का उपयोग किया जाना चाहिए देखिए बेटा हमारे पास ये जो है ये फर्श का डिज़ाइन है ठीक है तो कुछ गुलाबी रंग की टाइल्स है कुछ ब्लू कलर की टाइल्स है मतलब पिंक और ब्लू कलर की टाइल्स है तो हमें देखना यहाँ पे कुछ ऑप्शन है तो कौन सी टाइल का प्रयोग किया गया है चलिए ऑप्शन देखते हैं क ख ग तो आप लोगों को पता ही चल रहा है ऑप्शन क में ही हमारे पास ये वाली टाइल्स है जिसमें फर्श में जिसका उपयोग किया गया है तो ये वाला सही आंसर होगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौदह किस बॉक्स में संख्या चार है चार हम कैसे लिखते हैं चार ऐसे ही लिखते हैं ना तो इसमें हमारे पास ऑप्शन मिल गया हमें कै में है चार सौ अड़सठ तो यही हमारा आंसर होगा आगे के ऑप्शन हमें देखने की नीड ही नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह नीचे दिया गया चार्ट जून में दिल्ली का तापमान दिखाता है तो ठीक है बेटा तो एक बार इस चार्ट को हम देखते हैं यहाँ ये चार्ट हमें दिया गया है इसमें सोमवार को बताया गया है छियालीस डिग्री सेल्सियस तापमान है मंगलवार को यहाँ पे पैंतालीस डिग्री है बुधवार को यहाँ पे सैंतालीस डिग्री है वीरवार को तैतालीस डिग्री है शुक्रवार को भी तैतालीस डिग्री है और शनिवार को यहाँ पे चवालीस डिग्री है तो चलिए अभी प्रश्न हम पढ़ते हैं कौन सा दिन अधिकतम तापमान दिखाता है तो एक बार ऊपर दोबारा देखते हैं सबसे ऊँचे वाला कौन से दिन का है ये वाला जो डंडा बना हुआ है बुधवार का है तो बुधवार का है सबसे ऊचा बेटा तो बुधवार में सैंतालीस डिग्री तो हम बुधवार पर टिक लगाएंगे तो चलिए कौन सा दिन सबसे अधिक तापमान दिखा रहा है बुधवार तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते चलो बेटा यही हमारे प्रश्न थे इसमें इस वाली वर्कशीट में टोटल पंद्रह ही प्रश्न थे तो आप सभी इसको एक बार दोबारा से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास करिए धन्यवाद